एंड वेलकम टू ब्लैक पोजीशन। और आज हम देखने जा रहे हैं बाहुबली 2 के बारे में हमारे बॉलीवुड के लोग क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं बॉलीवुड के हॉट हंक रणवीर सिंह को। अरे सब बोल रहे हैं बाहुबली के सामने बाजीराव तो कुछ भी नहीं है। जिस टाइप की फिल्म देखी है उसका तो लिहाज करें, जिस टाइप की फिजूल की बातें ना करें। अरे क्या सर जी, ये फिजूल की बात थोड़ी है। हाँ तो अब हम जाते हैं हॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पास। अबे सारे वो बॉलीवुड की है। अभी बॉलीवुड की है मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनुष्का शेट्टी ने बोला है कि अब वो बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली है और फिर सारी हीरोइन का तो नंबर गया बॉस। ऐसा उन्होंने ना तो कभी बोला है उस आर्टिकल में, और मैंने तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा था जब मैंने पढ़ा। इससे पहले कि आप बात का बतंगड़ बनाए ताकि लोग आपके चैनल पे या आपके चैनल पे टीआरपी ज्यादा दें, ताकि बिना अपना होमवर्क करे हुए, आई थिंक आपको न्यूज जो है असली देनी चाहिए और सच देनी चाहिए। अरे मैम न्यूज असली है और हमारे चैनल पे टीआरपी नहीं होती, ये यूट्यूब चैनल है ब्लैक पोजीशन, इसमें सब्सक्राइबर्स होते हैं। क्या मैम, अब हम फोन करेंगे केजरीवाल को, देखते हैं उनका क्या कहना है इसके ऊपर। हाँ सर, हमने ऐसा सुना है कि बाहुबली 2 देखने के लिए लोगों ने बहुत भीड़ लगाई है, रस्ते पे सड़क पे सब जगह जाम हो गया, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लोगों ने इतनी तकलीफें झेली, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि मोदी जी फ्रॉड कर रहे हैं। आपने फाइट सीक्वेंस देखी, वो कैसी लगी आपको? एक तरह से शहादत दी, 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट तो मिल गया ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसमें तो कोई धोखा नहीं है ना? तो धोखा हो गया हमारे साथ, अब मोदी जी कह रहे हैं। अरे सर क्या मोदी जी, आपको पिक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ, चलिए छोड़िए। अब हम कॉल कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग SRK को। कटप्पा और बाहुबली एक नज़दीक की रियासत में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही छिछोरागिरी करते हैं जो बहुत ही बुरी लगती है। अबे KRK है, कट, हट, हट, हट। हाँ तो हम फोन करने वाले हैं बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान को। हाँ शाहरुख जी, हाँ आपसे बाहुबली 2 के बारे में बात करें। आप सवाल पूछिए, खड़े होइए। खड़े होने का एक सेकंड। अरे पर सर स्मिथ बोल रहा है, फ्रेम में नहीं आऊंगा, प्लीज बैठ के बात करें। बाहुबली 2 कैसी फिल्म है? रोमांटिक फिल्म है और कहानी उसकी ये है कि प्यार मोहब्बत की कहानी जिसे कहते हैं, लव स्टोरी। क्या सर रोमांटिक फिल्म है? ये रोमांटिक थोड़ी है, मैच्योर लव स्टोरी है। इट्स गॉट अ सोल ऑफ अ क्लासिक लव स्टोरी। अरे सर पुराने जमाने को दिखा दिया तो मतलब क्लासिक लव स्टोरी क्या यार। मैंने तो जस्ट ट्विटर पे देखा था कि आपने लिखा है बाहुबली 2 बकवास मूवी है। मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है। अब बारी है रणवीर कपूर की। हेलो रणवीर, कैटरीना कैसी है? None of your business बोल दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी से। नमस्ते सर जी, मैं आपको बाहुबली 2 के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ सर। काले रंग का बब्बर शेर उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। अरे 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 सर नहीं नहीं, छोटा भीम नहीं है ये बाहु। अरे यार ओके छोड़ो, सॉरी। हेलो, हाँ मोदी जी, अभी तक इंडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब लोगों के पास कोई और क्वेश्चन नहीं पड़ा बचा, तो अब सब पूछ रहे हैं कि हम अच्छे दिन कब आने वाले हैं भाई। हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है, प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है, आप लोग इसको रिसर्च कीजिए। सर हमारे मीडिया में नहीं है इसका जवाब, इसीलिए मैं। आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं। सर हम कौन होते हैं आपको दबाने वाले? हेलो सलमान, राज देसाई फ्रॉम ब्लैक पोजीशन। आप बाकी मैं जर्नलिस्ट हूँ। अरे अरे सर जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं, हम लोगों की यूट्यूब चैनल है ब्लैक पोजीशन, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज दिखाई देते हैं यार। अबे इससे गाड़ी निकल। और सुनो फाइनली ब्लैक पोजीशन की तरफ से 5 स्टार बाहुबली को, ये सुपर डुपर हिट मूवी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अभी भागना पड़ेगा, बाय।